हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। आज के हम इस वीडियो में HTML को बेसिक यानी कि शुरू से उसको जानेंगे भी HTML क्या है और किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसको वेब पेज जाकर वेबसाइट रेडी करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सबसे पहली लैंग्वेज HTML है जिसको हम वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा। आज के हम वीडियो में शुरू करते हैं HTML का बेसिक। तो ये शुरू करते हैं। तो HTML को शुरू करते हैं। पहले HTML को हम शुरू करते हैं। HTML लिखेंगे, पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। इतना HTML लिखकर हम इस फाइल को सेव करेंगे। सेव एज। तो आप इस फाइल को जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, आप माई कंप्यूटर में, कहीं भी, बस ये याद रखिएगा अभी आप इस फाइल को कहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आप कोई भी इस फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ HTML। ये तो जस्ट एग्जांपल है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको .html ये इसकी एक्सटेंशन है, .html इसको आपको लिखना ही होगा। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये मतलब जो वेब हमारा सर्वर है, जो ब्राउज़र है, वो समझ आता है भी ये HTML का कोड है या HTML की लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। तो ये ज़रूरी है आपको, अगर आप फाइल सेव कर रहे हैं HTML की, तो आपको इसकी एक्सटेंशन है जो .html उसी को लिखना होगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूँगा HTML, तो ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं और ये हमारा HTML ओपनिंग टैग है। तो ये दो तरह के टैग होते हैं, एक पेयर टैग होते हैं और एक अनपेयर टैग होते हैं। ठीक है, तो ये HTML को हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके बाद HTML के अंदर हम हेड यूज़ करते हैं। हेड जो इसका सर होता है, हेड यूज़ करेंगे। तो ये सीक्वेंस वाइज चलता है, जैसे ए बी सी हो गया, तो उसके बाद हम हेड का यूज़ करते हैं HTML में। तो हेड के बाद हम टाइटल लिखेंगे। तो ये टाइटल हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आप टाइटल कोई भी इसको टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं देख देता हूँ डेमो। तो मैंने यहाँ इसको डेमो दे दिया है। तो चलिए इसको सेव करके देखते हैं, कंट्रोल एस और सेव। तो ये देखिए हमारा HTML का है जो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम जब इसको ओपन करना है तो आप इसको ओपन विद के साथ, आपके पास जो भी जो ब्राउज़र है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी आपके पास ब्राउज़र है तो इससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र है, तो मैं इसके साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ इसको ओपन करूँगा ओपेरा ब्राउज़र के साथ। ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा पर ओपन हो रहा है।
तो ये देखिए हमारा जो ये पेज है ये खाली है, इस पर कुछ नहीं है, पर जो हमारा वो टाइटल था ये देखिए, ये हमारा टाइटल ऊपर आ रहा है। तो हम इसलिए टाइटल लिखते हैं कि हमारे जो ये ऊपर का होता है बार होता है इसमें हमारा पता चल जाए भी हमारी जो फाइल है उसका टाइटल क्या है। तो हमने यहाँ डेमो दिया था और ये ऊपर डेमो आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा और हेड को यहीं पर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बॉडी टैग बॉडी शुरू करेंगे इसकी। तो ये बॉडी टैग में हम जो भी हम बॉडी टैग में मान लीजिए कोई पिक्चर्स हैं, चाहे कोई इमेज लगाना है, चाहे कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई लिंक लगाना है, वो सब काम हम इस बॉडी में करते हैं। हमारा इस बॉडी में हम जो भी कोडिंग लिखेंगे वो हमारे वेब पेज को रेडी करती है, उसको डिज़ाइन करती है। तो हम जो भी लिखते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए वो सब हम अपने इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। जैसे देख देते हैं, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया वेब टेक्नोलॉजी। अब आपको अगर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर इसको लिखकर आपको दोबारा इसको सेव करना है, सिर्फ सेव करना है। तो आप कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं बॉडी में, कुछ भी लिखते हैं, चाहे एक बार लिखते हैं, दो बार लिखते हैं, तो आपको हर एक बार उसको सेव करना होता है। अगर आप सेव कर देंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए वो इसके इसमें सेव हो जाएंगे। जैसे हमने अब लिखा है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया वेब टेक्नोलॉजी, तो अब हम इसको बार बार ऐसे ऊपर नहीं करना, सिर्फ इसको रिफ्रेश कर देना है। तो ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा आ गया हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया वेब टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा ये स्पेलिंग थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, बस आपको समझाना चाहिए बेसिकली जो इसका है। तो ये हमारा जो भी हम इसमें बॉडी टैग में लिखेंगे, बॉडी के अंदर जो भी हमारा लिखेंगे वो हमारा वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको इसको फिर सेव कर देना है, सेव, और हम देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको। तो ये देखिए ये आ गया हमारा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया टेक्नोलॉजी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पर एक बी आर टैग यूज़ करेंगे। ये बी आर टैग क्या है, ये बी आर टैग इसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो ये पहले तो ये देखिए जैसे ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो अब हमने यहाँ पर बी आर का यूज़ किया, बी आर टैग का। तो हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है जब हम इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो यही बी आर टैग हम यूज़ करते हैं बी ए को, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर सकें। तो ये बी आर टैग को हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ये है नोट पैड प्लस प्लस, तो ये मैं यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस को यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वैसे भी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो वीडियो आप देख लेना भी नोट पैड प्लस प्लस को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपके लिए और इसके बाद जो HTML की नई वीडियो है वो इसको लेकर आता रहूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।